प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो यहां पे डियर हम लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट्स हैं, ये एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं बीटेक 7 सेमेस्टर का। आप लोगों को पता है क्योंकि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जान रहे थे। तो फर्स्ट वीडियोज़ हमने मॉड्यूल नंबर 1 का देखा, ये सेकेंड पार्ट आपका जो है होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का किस तरीके से हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो कई सारे हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है 19th सेंचुरी में जो है हुए थे। दैट रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैव बीन रिक्वायर्ड टू वर्क टुगेदर इन मैनेज सबऑर्डिनेट रिलेशंस, है ना। मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या किया गया, एक्वायर किए गए, कलेक्ट किए गए। प्रियर टू दिस मेनी ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डेड एग्जिस्ट वर मिलिट्री। वन इज वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द लीडर वॉज सुप्रीम एंड प्रैक्टिकली unquestioned since membership is not voluntary। देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जब क्रांति आई औद्योगिक, तो कई सारे लेबर, कई सारे मैनेजर्स, कई सारे सब ऑर्डिनेट्स को जो है ज़रूरत पड़ा। जब ज़रूरत पड़ा तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे जाएंगे और लोगों को जो है पकड़ा जाएगा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको चुना जाएगा कि आप आइए आप आइए। जैसे पहले जो है जॉब ज़्यादा थे, लोग कम पढ़े लिखे होते थे तो जॉब आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब जो है जॉब्स कम है, पढ़े लिखे इंसानों का जो जनसंख्याएँ हैं, नंबर है, वो ज़्यादा है। इस कारण से जॉब जो है आसानी से नहीं मिलता है। तो एक बिहेवियर जो है वहाँ पे डेवलप हुआ और डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, क्योंकि लोग वहाँ पे जुड़े। तो लोग जब जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर, अपनी आइडियाज़ को शेयर करेंगे। बिहेवियरल प्रॉब्लम वर रिलेटिवली ईजी टू डील विद अंडर दीज कंडीशन, इस कंडीशन में ईजिली डील किया गया। इट इज़ सर्टेनली नो एक्सीडेंट डैट मच ऑफ आवर करेंट, जो करेंट में सिचुएशन है उससे के कंपेरिजन में उसमें ज़्यादा नहीं था। जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि विलियम सी डूरंट और हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉक फेलर, ये सभी जो है ब्रिलियंट मैनेजरियल क्वालिटीज़ इन लोगों के पास था, जिन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुआ, उसको जो है अच्छे तरीके से एक स्टेबलाइज वे में क्या किए, मैनेज किए। उसके बाद आपका आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकेंड, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसमें जो है ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ओवरऑल मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू देयर कंपनीज टू सर्वाइव एज प्रोस्पर। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को या जो कोई भी कंपनी है उसको अच्छे तरीके से सर्वाइव कराने के लिए, यानी रन कराने के लिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशंस है वो बेटर तरीके से जो है वर्क नहीं कर पाएगा, और जब बेटर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो डेफिनेटली है कि आपको जो है प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसमें, ओके। तो ये चीज़ें जो है आपको समझना है। उसके बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट है ये अराउंड टर्न हुआ, जो सेंचुरी हमारा आया, जिसमें कई सारे लोग जो है अपने आप को बताने लगे कि हम इस बेटर तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे जनरेट होने लगा। द मैनेजर इन बोथ केसेस अप्लाइड द साइंटिफिक मेथड टू देयर प्रॉब्लम एंड दे थॉट द इफेक्टिव मैनेजमेंट एट ऑल द लेवल्स वाज द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल रन करना है तो ऑब्वियसली आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। टेलर स्टार्टेड साइंटिफिक मैनेजमेंट इन हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज एट द मिडेवल स्टील कंपनी इन द अर्ली
1600 यानी 1900 में या उससे पहले जो है इन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे अपना स्टडी किया और उसको जो है इफ़ेक्टिव तरीके से लागू किया एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के तौर पे। ही वॉज कंसर्नड, ये इन्होंने जो है कंसर्न किया विद इन इफिशियंसी इन मैनुअल लेबर जॉब्स एंड बिलीव डैट बाय साइंटिफिकली स्टडी द स्पेसिफिक मोशंस डैट मेड अप द टोटल जॉब मोर रीजनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब कुड बी डिटरमाइंड। मैंने एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर इन्होंने क्या स्टडी किया, स्टडी ये किया कि कितने जॉब्स हैं, है ना, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसका आउटकम्स क्या मिलेंगे, है ना, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से लोगों को परफॉर्म करवा सकते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, क्या हम चाहते हैं। जैसे आप एक एजुकेशनल, चलो सपोज डैट आप एज ए अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम के लिए आप ट्यूशन खोलना चाहते हो, है ना, ट्यूशन क्या करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो या खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको दो चीज़ों को सोचना पर ज़रूरी होगा। पहला कि आप किसको पढ़ाना चाहते हो, है ना, यानी 1 2 3, है ना, किस क्लास को आप पढ़ाना चाहते हो ये, और दूसरा आप पढ़ाना क्यों चाहते हो, पहला आप किस क्लास को पढ़ाना चाहते हो और पढ़ाना क्यों चाहते हो, ये दो चीज़ आपका मेन है कि पूरा होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे हो गए तो आपको फिर चाहिए कि कितने लोगों की ज़रूरत होगी पढ़ाने के लिए, क्या आप अकेले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा पाएंगे, अगर हाँ तो ठीक है, उसके बाद आप कितने देर परफॉर्म कर पाएंगे। मान लो कि आपको जो है 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं पर डे, तो 5 सब्जेक्ट लगातार आप पढ़ाएंगे कि अल्टरनेट करके पढ़ाएंगे, ये आपकी इच्छा है, यानी वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस भी आपको पता नहीं रहेगा कि हाँ अच्छा 5 सब्जेक्ट पढ़ाना, आज 10 बजे पढ़ा दिए, कल 2 बजे पढ़ाएंगे, परसों 5 बजे पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक बेटर टाइम, एक इफ़ेक्टिव शेड्यूल जो है आपको जारी करने होंगे कि इतने घंटे जो है हम आपको पढ़ाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ये चीज़ें जो है आपको बतानी पड़ती है। तो कहीं पे भी किसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा आप बना रहे हो चाहे वो बड़ा हो, हर कंडीशन में आपको जो है क्या करने होंगे, मैनेजमेंट करने होंगे। उसके अलावा एक और गिलब्रथ जो है ये भी एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना, इन्होंने जो है भी अपने तरीके से जो है स्टडी किया। 1868 से 1924 के बीच में जो है इनका जन्म था, उस बीच में इन्होंने जो कई सारे चीज़ें सीखी, कई सारे चीज़ें जो है किया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड अदर आइडियाज़ फ्रैंक जो है ये रिड्यूस किए जो मोशंस है जो इवॉल्व होते हैं ब्रिक लेइंग फ्रॉम 18.5 to 4 यूजिंग द अप्रोच वर्कर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ब्रिक्स लेड पर डे फ्रॉम 1000 to 2700 विद नो इंक्रीज इन फिजिकल एग्जर्शन। इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल्स के बेसिस पे इन्होंने जो है एनालिसिस किया। जैसे मान लो कि एक घर बन रहा है ना, घर बन रहा है तो वहाँ पे ईंट जो है लगाया जाता है, तो इन्होंने ये नहीं देखा कि सीमेंट भी उसमें डालना, बस देखा कि एक व्यक्ति कितना ईंट जो है एक दिन में बिछा सकता है, मतलब एक बेहतर तरीके से अरेंज कर सकता है। तो इन्होंने पाया कि एक आदमी जो है या एक जो वर्कर है वो 1000 से 2700 ईंटें जो हैं वो बिछा सकता है एक दिन में, और कब, जब उसका फिजिकल एग्जर्शन जो है उसको इंक्रीज नहीं किया गया, मतलब एक नॉर्मल इंसान एकदम साधारण, उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं है, वो 1000 से 2700 के बीच में जो है वो कर सकता है। और इसके बेसिस पे जो है इन्होंने अपना एनालिसिस दिया और उसके अनुसार जो है इन्होंने किया। उसके अलावा फिर हेनरी एल गैंटी थे, इन्होंने भी जो है एक स्टडी किया। फिर ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट जो कि इन्होंने जो है भी जो है अलग अलग तरीके से जो है स्टडी किया और मैनेजमेंट जो है किए। इसके बारे में जो है आप नोट्स में पढ़ लेना, इस पर जो है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आएंगे, बस इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे, तो आप बेसिकली अगर उसका नाम
लिख दीजिएगा और दो चार पॉइंट उसके बारे में लिख दीजिएगा, तो डेट्स एनफ, सफिशियंट है। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इम्पॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहला, बेटर रिलेशनशिप पीपल और ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑब्जेक्टिव के बीच में एक बेटर, अच्छा से रिलेशंस बन सके, संबंध बन सके उसके लिए। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। तीसरा, आपका जो एसेंस है मैनेजमेंट का उसको बेटर करने के लिए। तीसरा, जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशंस के हित में जो चीज़ें हो रही है उसको और बेटर करना, इम्प्रूव करना। जो भी एम बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस को उसको अचीव करने में मदद करना, और जो भी यूटिलाइजेशंस है रिसोर्सेज का उसको बनाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस बनाना। मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी वर्कर्स वगैरह जो है काम वगैरह करते हैं उनको। इट लीड्स टू हायर इफिशियंसी, इट इम्प्रूव्स रिलेशंस इन ऑर्गेनाइजेशंस। मल्टीडिसिप्लिनरी सेंसेस में जैसे डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स, थ्योरीज को इवैल्यूएट करना कि किस किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस किए जा सकते हैं। ओके, आई होप कि ये सेशंस आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो अच्छा लगा हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ अच्छा लग रहा है। अगर कोई डाउट्स आता है तो भी बताएं कि हाँ मुझे इस तरीके के जो है और प्रॉब्लम हो रही है, हमें जो है ये काम और करना है, तो मैं उस पर जो है आपको अनदर वीडियोज़ में मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो MRS स्टडी पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वहाँ पे भी जो है अपडेट मिल सके, इस तरीके की क्लासेज जो है आपको देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच।